गया पिजन क्लब की ओर से आयोजित छठे हाई फ्लाइंग पिजन टूर्नामेंट में गौरव कुमार के कबूतरों ने ऊंची उड़ान भरकर पहला स्थान हासिल किया। गया पिजन क्लब द्वारा रविवार को प्रतिभागियों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत में क्लब के सदस्य रिंकू की कोरोना महामारी काल में टाइफाइड के चपेट में आकर असमय काल के गाल में समाये रिंकू की 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस सम्मान समारोह की मुख्य अतिथि वार्ड पार्षद शशि किशोर थे। इस मौके पर सभी अतिथियों और प्रतिभागियों का गया पिजन क्लब के प्रेसिडेंट दीनानाथ मेवार ने स्वागत किया। गया पिजन क्लब द्वारा प्रथम पुरस्कार से गौरव कुमार को सम्मानित किया गया। द्वितीय पुरस्कार से अमित कुमार को और तृतीय पुरस्कार से टोनी को सम्मानित किया गया। साथ ही सभी एम्पायर को भी सम्मानित किया गया। इस प्रतियोगिता में 11 प्रतिभागियों ने भाग लिया था, जिसमें अमित कुमार, अनवर रिजवान उर्फ अन्नू, रवि चौधरी, मुदस्सिर, टोनी, कारू, आशीष, गौरव, ब्रजेश, राहुल और ननका ने भाग लिया था। सभी सदस्यों को सम्मानित किया गया। पत्रकारों से बातचीत में अमित ने बताया कि गया पिजन क्लब के सदस्य प्राचीन शौक को आज भी कायम रखते हैं। उन्होंने कहा कि इस प्रतियोगिता में एक कबूतर यदि अपने लक्ष्य से भटक जाए तो उसको नहीं गिना जाता, शेष कबूतरों की उड़ान का समय नोट किया जाता है, जिसके आधार पर हार जीत का निर्णय होता है। अमित ने बताया कि इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लगभग 3 महीने पहले ही कबूतरों की देखभाल शुरू की जाती है, जिसमें पौष्टिक भोजन शामिल होता है। उन्होंने कहा कि काफ़ी मेहनत व देख रेख के बाद कबूतरों को प्रतियोगिताओं के लिए तैयार किया जाता है। इस मौके पर गया पिजन क्लब के कई सदस्य मौजूद थे। अभी बच्चे लोग कबूतर उड़ा रहे हैं, ये कुछ लोग हैं जो दवा दुबा दे कर कहते हैं। हम तो यही सभी से रिक्वेस्ट करेंगे कि दवा वगैरह का प्रयोग नहीं करें, अच्छा खुराक दें, अच्छा मेहनत करें और तब कबूतर को उड़ान दे, सबसे पहला पॉइंट है। खास कबूतर होती है जो इस हाँ, वो अपना अपना नस्ल का है, वो कबूतरों का है। और बहुत अच्छा हुआ इन्होंने ये शो कराया और लोगों को दिलचस्पी हुई, सभी लोग अपना अपना नए नए लड़के लोग जुड़े हैं इससे और सभी को बहुत प्रोत्साहन मिला है। जो प्रोग्राम हो रहा है, इस प्रोग्राम से आगे और भी लोग इससे जुड़ेंगे। देखिए, रेस में क्या है कि बेसिकली आपको कबूतर को अच्छे तरीके से तैयार करना होता है, समय पे उसको पंख खींचना होता है ताकि समय पे पंख आए। पंख आने के बाद कबूतर को आप उसको ट्रेनिंग दीजिए उड़ने का। जब वो उड़ना शुरू करते हैं तो हम लोग धीरे धीरे करके उसकी टाइमिंग बढ़ाते हैं, उसको अच्छे खुराक दे के, उसको देसी भाषा में बोलते हैं कबूतर को परचाना, उसको परचाते हैं अच्छे से। उसके बाद उसकी टाइमिंग को धीरे धीरे बढ़ाते हैं, उसको अच्छी खुराक देकर, और धीरे धीरे जैसे ही टूर्नामेंट का समय जैसे जैसे नज़दीक आता है, हम लोग उस पर ज़्यादा मेहनत करते हैं, ज़्यादा टाइम देते हैं। टाइम देने से क्या होता है कि हमारे कबूतरों पे को लगता है कि अपनापन टाइप में, क्योंकि वो भी पंछी है, पंछी प्यार की भाषा समझते हैं। वो आपकी भाषा नहीं समझेंगे लेकिन प्यार की भाषा वो समझते हैं। उसको प्यार से आप जितना जितने अच्छे से उसको रखाव रखेंगे, जैसा उनको अच्छे से आप उनको दाना पानी चारा देंगे, उस तरह से वो आपकी बातों को समझेगा और आपके हिसाब से वो पंछी अपनी उड़ान को परवाज को दे गई। वो कई युवा हैं जो अभी कबूतर भी इसमें आना चाहते हैं, उनको क्या मिलेगा? गया शहर में भी कई युवा हैं जो इस टूर्नामेंट में धीरे धीरे आ रहे हैं। कुछ लोग आए हैं, कुछ लोग आ रहे हैं और उनका उत्साह भी बहुत बड़े तौर तरीके से बढ़ रहा है। परिषद बीच
सहयोगियों की तरफ से और हमारे बीच खूबसूरत माहौल रही है। क्या बोलने